जोधपुर जिले के बहादुरपुर ग्राम पंचायत अंतर्गत EGUS स्कूल में मनरेगा योजना के तहत बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन फाउंडेशन और सचिव की मिली भगत से निर्माण कार्य में भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। बता दें कि निर्माण में रेत की जगह डस्ट का उपयोग किया जा रहा है, जिससे दीवार मजबूत नहीं बन रही है। वहीं फिटिंग की दीवार जहां से छू रही है वहां से गिर रही है। जब हमारी टीम मौके पर पहुंची तो पाया गया कि रेत की जगह डस्ट का उपयोग किया जा रहा है। जब इस संबंध में सचिव से चर्चा की गई तो उन्होंने भी माना कि निर्माण में धूल का उपयोग किया जा रहा है। जब इस संबंध में जनपद पंचायत CEO दुर्गेश भूमरकर से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि मामले की जांच कर कार्य को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए जाएंगे। सर, उसके लिए अभी जैसे निर्माण काम चालू है और मनरेगा योजना से स्वीकृत है और AGS स्कूल के बाउंड्री वाल है, वो चूरी की जो बात हो रही है सर, चूरी हालांकि उसमें रखे हुए थे लेकिन जैसे मेरे संज्ञान में आया तो चूरी हटवा करके काम को तो गुणवत्तापूर्वक ही करवाया है, ऐसा कोई गुणवत्ताहीन नहीं है, अच्छा काम है। नहीं, इसमें क्या है कि जैसे इंजीनियर साहब भी आ रहे हैं और हमारे जो ग्राम के पंचायत के जो मेंबर्स है उनके भी संज्ञान में, सभी के संज्ञान में लेकर के ही काम कर रहा है, लेकिन फिर भी यदि गुणवत्ताहीन की यदि बात आती है तो हम उस पर बिल्कुल आगे उसमें सुधार की पूरी गुंजाइश रहेगी और कोई गुणवत्ताहीन पर कोई हमारा फोकस नहीं रहेगा, काम बेहतर हो, बेहतर तरीके से हो, ऐसा हमारा मेरा पूरा ये रहेगा, सतर्कता रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बहादुरपुर में जैसे आपने बताया बाउंड्री वाल का काम चल रहा था, अभी मैंने सब इंजीनियर से बात की है, वो अभी जाके चेक करेगा कि क्या चूड़ी का उपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि चूड़ी अगर उपयोग हो रही है मिट्टी की जगह तो दिख जाएगी, वो थोड़ा बहुत अगर जहाँ पे काम हुआ है कंक्रीट का तो उसमें समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।